Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know, that we are on unit number five, that is geography. We are on part four, and today in part four, we are going to discuss about problems caused by overpopulation. Yani ke abadi ka ek रकबा उतना ज्यादा ना होना रिसोर्सेज उतना ज्यादा ना होना तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वो फेस करने पड़ते हैं इसके अलावा कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से एक कंट्री को या एरिया को फेस करने पड़ते हैं वी विल डिस्कस अबाउट दैट टूडे बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिकैप वॉट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर जल्दी से आप क्वेश्चन को सुने और फिर आंसर करें ताकि आपका प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज हो जाए सो वाई पंजाब प्रोविंस इज मोस्ट पॉपुलेटेड सोचें सबसे ज़्यादा हेविली पॉपुलेटेड प्रोवेंस है पाकिस्तान का ये सबसे ज़्यादा इस सूबे में सबसे ज़्यादा आबादी है और रकबे के लिहाज से ये छोटा है बलूचिस्तान से लेकिन आबादी जो है ये बलूचिस्तान से भी ज़्यादा है वाई इज़ इट सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स अलॉन्ग द रिवर जो है जहाँ भी दरिया है पूरी दुनिया में ये चीज देखी गई है कि जहाँ भी दरिया होते हैं वहां आबादकारियां ज्यादा होती हैं और इसी वजह से बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा दरिया के किनारे या एग्रीकल्चरल फील्ड में मिलती हैं तो इस वजह से पंजाब जो है और वैसे भी इसको तो कहा ही ये जाता है कि ये पंज आब पांच दरियाओं की सरजमीन है तो इस वजह से यहाँ जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है ओके माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम ओवर पॉपुलेशन क्योंकि हमने पढ़ना है तो हम उसको एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी जो क्लास में टीचर कंडक्ट करवा सकती है uh, या आप अपने घर में भी सिर्फ जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी क्लास में सीटिंग कैपेसिटी जो है यानी कि बैठने की जो कैपेसिटी uh, है सिर्फ 25 बच्चे वहां बैठ सकते हैं लेकिन अचानक से क्लास के अंदर जो है वो करीब uh, जो है आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और बच्चे पैंतीस के करीब हो जाते हैं यानी कि 35 तक पहुंच जाती है क्लास की स्ट्रेंथ तो कौन कौन से पॉसिबल प्रॉब्लम आपकी क्लास में फेस होंगे जल्दी से सोचकर बताएं जरा मुझे सोचें सोचें और से सोचे, सबसे पहले फर्नीचर कम पड़ जाएगा क्लास की स्पेस कम हो जाएगी चले फर्नीचर टीचर ने अरेंज करवा भी लिया पैंतीस बच्चों के लिए चेयर टेबल लग भी गए लेकिन क्या आपकी क्लास जो है उसकी आ, जो कैपेसिटी uh, है या जो स्पेस uh, है वो कैसी हो जाएगी बहुत कंजस्टेड हो जाएगी बिल्कुल जो है आप एल्बो टू एल्बो बैठे हुए होंगे ऐसे बिल्कुल कोनिया टकराएंगी बैग रखने की जगह नहीं होगी चलने की प्रॉपर जगह नहीं होगी क्लास में सफोकेशन हो जाएगी इसके अलावा ऐसी क्लास जिसमें तादाद जो है एक मखसूस तादाद से बढ़ जाए बच्चों को ज्यादा जो है वहां पर भर दिया जाए और टीचर जो है वो एक ही मौजूद है कंट्रोल करने के लिए तो क्या होगा कंट्रोल करना डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऐसा ही है जब डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उसके क्या होगा? जल्दी से में नहीं होंगे तो पेपर अच्छा नहीं होगा जब पेपर अच्छा नहीं होगा तो फिर मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे और नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोट होंगे तो आप देखेंगे सिर्फ क्लास में तादाद इंक्रीज करने से कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े आपको इसी तरीके से जब एक मुल्क के अंदर या एक एरिया uh, के अंदर आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वी कॉल इट एन ओवर पॉपुलेटेड एरिया तो कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं फेस कर किए जाते हैं उनको आज हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे पढ़ेंगे उनको सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो माय डियर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनलिस्ट द मेजर प्रॉब्लम्स कॉज बाय ओवर पॉपुलेशन सो माय डियर स्टूडेंट्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन ओरली इसको आंसर कीजिएगा कैन यू सजेस्ट सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन सो अब आपने क्लास के अंदर एक महदूद जगह पे आपने जो है स्ट्रेंथ रेज की और आपने कुछ प्रॉब्लम सजेस्ट किए कि ये ये प्रॉब्लम्स जो है मेरी क्लास में हो सकते हैं अब जरा ये सोच के बताएं कि ओवर पॉपुलेशन से कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए जा सकते हैं जस्ट अ स्लाइट गेस जरा लगाएं देखते हैं कि जो हम आगे पढ़ेंगे आप उससे मैच करते हैं कि नहीं करते आपकी थिंकिंग सबसे पहले तो जो यानी कि मुझे लगता है एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा स्कूल्स बनाने पड़ेंगे रिसोर्स ज़्यादा चाहिए सो रिसोर्स डिप्लीशन जो है सबसे पहली चीज़ जो है रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगी यानी कि आपने खाना भी प्रोवाइड करना है मेडिकल फैसिलिटी भी देनी है स्कूल प्रॉपर एजुकेशन भी देनी है तो इस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगा स्कारसिटी जो है वो भी हो सकती है चीजों की यानी कि चीजों की किल्लत भी हो सकती है तो कुछ ये ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि हमें ओवर uh, पॉपुलेशन से फेस किए जा सकते हैं देखते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम मजीद जो है वो देखेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स क्विकली ओपन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सेवन इन योर सोशल फोर बुक्स आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज सो नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग फिंगर्स वेर आई विल रीड मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई ओवर पॉपुलेशन देर कैन बी मैनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन समेम आर गिवेन बिलो सो आबादी का बढ़ जाना यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाना उससे क्या है कि कुछ बहुत ही बुरी अलामत हो सकती हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं चले उनमें से कुछ मेजर जो हैं उनको हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ओवर पॉपुलेशन इनक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट एज देर आर फ्यू जॉब्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सो माई डियर स्टूडेंट सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी लोगों के लिए जो रोजगार है वो जो है वो कम पड़ जाएगा जाहिर जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा जॉब अपर्चुनिटीज चाहिए अब जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा है नहीं क्योंकि आपको हर सेक्टर के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो ज्यादा बनानी पड़ेंगी ज्यादा स्कूल्स चाहिए ज्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए ज़्यादा बैंक्स चाहिए सो so, इन चीज़ों से क्या होगा कि जब ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फिर कहां से हम नौकरियां देंगे लोगों को तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बेरोजगारी आपके मुल्क में बढ़ जाएगी जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो लोग जो है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो सी के इट इज़ ऑल कनेक्टेड तो बहुत से प्रॉब्लम्स और जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे जब आप घर पैसे नहीं कमा कर लाएंगे तो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे उनकी इलाज मुआवजा नहीं अफोर्ड कर सकेंगे घर में खाना जो है वो क्वालिटी का नहीं आएगा जिससे जो है बहुत से और प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे सो द नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन पीपल फेस अ लैक ऑफ फैसिलिटीज लाइक फूड शेल्टर हेल्थ केयर द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर रेज ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड विच मीन्स पीपल हैव टू पे मोर देन नॉर्मल टू सरवाइव एंड फीड दैम सेल्व एंड देयर फैमिलीज सो माई डियर स्टूडेंट्स अब मुल्क तो चलाना है आबादी ज़्यादा होती जा रही है चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं अब क्या होगा कि अफोर्ड करने के लिए और चीज़ें पैदा करने के लिए जो पहले से चीज़ें आप लोगों को फ्राहम करें वो महंगी करते जाएंगे अब जब महंगी करेंगे लोगों के पास पहले रोजगार नहीं है वो वो महंगी चीज़ें किस तरीके से खरीदेंगे तो इस तरीके से आप देखें कि चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी और लोगों के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ती चली जाएंगी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इसके अलावा जो नेचर में चीजें मौजूद हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी है दरख्त है आबो हवा है ये तमाम नेचुरल चीज़ें हैं ये भी इनकी भी कमी हो जाएगी और इनकी भी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी पाकिस्तान हैज लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स दैट कोड नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड फॉरेस्ट एनर्जी एंड मिनरल्स आर अन एबल टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन at the same time most of the environmental damage is caused by the increasing number of people people cut down forests to satisfy their needs of living the changing climate patterns are the result of degradation of the environment due to overpopulation so my dear students pakistan johe ab masalham abne कि पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा मुल्क है जो कि ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है एंड स्टिल द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट अब इससे क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास पहले ही बहुत ही लिमिटेड है दे आर नॉट देयर टू फिलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आबादी बढ़ती जा रही है तो अब क्या होगा कि लोगों के लिए साफ हवा नहीं होगी साफ पानी नहीं मिलेगा फॉरेस्ट हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा कम है Uh, मजीद लोगों को जगह देने के लिए आपको जुदर बचे कुछ फॉरेस्ट हैं वो भी साफ़ करने पड़ेंगे ताकि लोगों को जगह फराहम की जा सके तो इस तरीके से आप देखें कि इन्वायरमेंटल डैमेज जो है वो भी होता जाएगा हवा जो है वो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन भी होगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी मुतासर होगी और ग्लोबल uh, वार्मिंग जो है वो भी आपके मुल्क में बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पोल्यूशन में भी इंक्रीज होगा जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज है वो इफेक्ट होते जाएंगे क्योंकि आपको मैंने साइंस में भी ये बात पढ़ाई है कि जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती हैं वैसे वैसे जो है क्या होता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज है या नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय होता जाता है वो इफेक्ट होता है बहुत बुरी तरह ओके डियर स्टूडेंट सम मोर प्रॉब्लम्स कुछ ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम आपने अपनी बुक में पढ़ ली कुछ प्रॉब्लम मैं भी आपके लिए ढूंढ के लाई तो लेट्स हैव लुक एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस ठीक है अब जैसे जैसे लोगों को मैंने आपको क्या बात बताई कि अब लोगों को जगह देने के लिए हमें जो बच्चे कुच्छे फॉरेस्ट हैं वो भी साफ़ करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हैबिटेट जो है बहुत से जानवरों का बहुत सी मखलूक का आबी मखलूक हो चाहे वो चाहे वो जंगलाती मखलूक हो कोई भी जिस जो वहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं या ट्रीज हैं वो जो हैबिटेट जो है वो उनका डिस्ट्रॉय होगा एम्प्लीफाइड क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जब आप दरख्त साफ करेंगे जब हवा की क्वालिटी खराब होगी ग्लोबल वार्मिंग ऑल्टोमैटिकली जो है जब आप जितने ज्यादा लोगों के घर में चूल्हे चलेंगे जितनी ज्यादा गाड़ियां और बसें चलेंगी उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आ, बढ़ती जाएगी दरख्त आप पहले ही लगा नहीं रहे जो पहले से मौजूद है उनको भी साफ करें डिप्रिसिएशन ऑफ फ्रेश फ्रेश वाटर एक और चीज है कि साफ पानी या ताज़ा पानी जो है वो भी आपको कम मिलेगा और क्वालिटी uh, जो है वो उसकी बहुत ही खराब होगी क्योंकि पोल्यूशन जो है वो हर तरीके से बढ़ती जा रही है लोअर लाइफ एक्सपेस्ट एक्सपेक्टे एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होती जाएगी तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो तो फिर आप छोड़ दें कि आपको मिलेगी क्योंकि चीजें महंगी होती जा रही हैं लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छी नहीं मिल रही एजुकेशन फैसिलिटी वो नहीं ले पा रहे तो आप देखें फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ किस किस्म की रह जाएगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही नीचे चली जाएगी और फिर वो जो है क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज सबसे पहले होती है एमरजेंसी ऑफ न्यू पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है बीमारियां जो है उनका स्प्रेड ज्यादा से ज्यादा होता जाता है सो so, ज्यादा से ज्यादा वबाई बीमारियां जो है वो फैलेंगी एपिडेमिक्स जो है वो फैलेंगे सो so, डिजीज का स्प्रेड आउट जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा सॉयल फर्टिलिटी डिप्लेशन अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा जो है ज़रात जो है वो चाहिए उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर हमें वर्क करना है लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना लगाना है तो इसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली आपकी जो सॉयल फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है जितना ज्यादा आप उस सॉयल को आप पेस्टिसाइड्स डालते हैं उनके अंदर और ये जब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो सॉयल की फर्टिलिटी जो है क्वालिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है तो इस तरीके से सॉयल फर्टिलिटी जो है जो उसकी जरखेज़ी है वो भी कम होती चली जाएगी राइज इन क्राइम रेट एंड वॉयेंस जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है आप देखें कि बेरोजगार लोग फिर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको अपने घर में पीछे मौजूद काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जिनका उन्होंने पेट पालना है तो अल्टीमेटली ऐसा शख्स क्या करेगा ही विल कमेट अ क्राइम तो इस तरीके से मुल्क का ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्राइम रेट भी इंक्रीज हो जाएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे आप दरख्त साफ करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है आप मुख्तलिफ जो आ, एनिमल्स हैं जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको इंडेंजर करेंगे और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी कम होती चली जाएगी पोअर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी और सबसे चीज़ जो आ, पहले हमें देखनी चाहिए वो ये है कि तमाम लोग ये उनका बेसिक राइट है कि उनको तालीम और उनकी सेहत जो है वो देखी जाए वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और इसके अलावा जो है वो आ, कम से कम और बदतर से बदतर होती चली जाएगी

census. the population density is abundant in areas along the river all over the world. Overpopulation increases Dash as there are few jobs to satisfy the needs of large number of people it increases unemployment. Most of the dash damage is caused by the increasing number of people. Most of the environmental damage is caused by the increasing number of people. वट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग विद इनक्रीज पॉपुलेशन सो माई डियर स्टूडेंट ज्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ की जैसे जैसे चीजें कम हो जाएंगी और ज्यादा लोगों को आपको सेटिसफाई करना है तो आपको और चीजें दरामद करनी पड़ेंगी बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी तो आपको जो पहले से मौजूद चीजें हैं वो आपको रेट उनका और जब आप बाहर से दरामद करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको महंगी मिलेंगी तो इस तरीके से क्या होगा कि चीज़ें जो है वो महंगी करनी पड़ेंगी हाई कॉस्ट हो जाएगी और लोग जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन हाउ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अकर विद एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन सो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन किस तरीके से होता है यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक फॉर दिस आंसर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एयर वाटर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी ये सब चीज़ें जो है हैबिटेट लॉस जो है ये तमाम चीजें जो हैं इट विल हैपन बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन So, my dear students, for evaluation, quickly answer the question orally. Name major problems caused by overpopulation: unemployment, high-cost uh, living, and then the last is depletion of natural resources. Okay, my dear students, for homework, you will download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So, my dear students, write down your name and your class: problems caused by overpopulation. यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम फेस डू टू ओवर पॉपुलेशन नेम्स एंड प्रॉब्लम अदर देन दोज एक्सप्लेन इन योर टेक्स बुक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ ओवर पॉपुलशन हैज कॉल्ड सॉल फर्टिलिटी डिप्लेन सो माइड स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है पीछे आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं तो जो अदर देन आपकी जो बुक में तीन मेजर प्रॉब्लम्स uh, लिखे हैं उसके अलावा मैंने आपको बहुत से प्रॉब्लम्स बताए हैं आपने उनकी नेम्स लिखे हैं और आपने एक्सप्लेन सॉयल फर्टिलिटी जो डिप्लीशन है उसको करना है कि किस तरीके से जमीन की जरखेजी जो है मिट्टी की जरखेजी जो है वो कम हो जाती है सो रीवाइन द लेक्चर पॉज द वीडियो एंड देन कंप्लीट द वर्कशीट इन योर होमवर्क ये होमवर्क वर्कशीट है सो माई डियर स्टूडेंट्स एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री

Uh, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.